एक्सरसाइज 10.4। देखो एक्सरसाइज 10.4 में हम इसमें करेंगे सदिश या सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणन, ठीक है ना। देखो 10.3 में हम डिस्कस किया था, ठीक है ना, सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट पे डिस्कस किया था, और इसमें हम डिस्कस करेंगे किस पे, अदिश गुणन पे, ठीक है ना, किस तरीके से उसका अदिश गुणन निकालना। देखो अदिश गुणन को यहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इन टू एन कैप, एन कैप क्या है यहां पे, एन कैप जो है एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, ये किसकी दिशा को बताता है, ए क्रॉस बी क्रॉस बी की दिशा को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक ना, इसकी दिशा को बता देगा कि ए क्रॉस बी से जो हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में वेक्टर बी, ठीक ना, इनकी बीच में कोण कितना है, थीटा डिग्री है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, मान लीजिए वेक्टर सी मिल रहा है, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, तो यहाँ पे जो सी वेक्टर है इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो सी वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, वो इस एकांक सदिश से रिप्रेजेंट होगा, ये नॉर्मल वेक्टर होगा, वो हमेशा क्या होता है, ए बी जो प्लेन है, ए बी जिस प्लेन में होगा उसके हमेशा लंबवत प्लेन में होगा, ये हमेशा लंबा डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, जैसे इसकी डायरेक्शन को निकालना है ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं, ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को ए के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को क्या करते हैं, अलाइंस कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके बाद उसको बी के डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं उंगलियों को, देखो बी इस डायरेक्शन पर है ना, तो इसको बी के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो थंब है ये इंडिकेट करेगा इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर सी को, तो यहां पे देखोगे तो इसके रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक, अगर हम यहां पे किसकी बात करते हैं, बी क्रॉस ए की, बी क्रॉस ए, अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को किसके डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, अलाइंस कर लेंगे बी के डायरेक्शन में, फिर उसको घुमाएंगे कहां पे, ए के डायरेक्शन में, ए की तरफ घुमाएंगे, तो यहां पे जो थंब है, अंगूठा जो है, ये रिप्रेजेंट करेगा इसके रिजल्टेंट वेक्टर को, तो यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, लंबर अंदर की ओर, ठीक है ना, तो यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सी डैश, सी डैश, तो सी डैश जो है वो कहां होगा, लंबर अंदर की तरफ, सी जो है वो लंबर बाहर की तरफ, तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो सी वेक्टर इक्वल टू जो है माइनस ऑफ सी वेक्टर डैश, इसका मतलब कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो यहां पे एक रूल से निकल के आता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नहीं होता है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू का माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि यहां पे माइनस साइन के इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हमारा जो अदिश गुणन सदिश गुणन है, सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसमें हम कुछ इसके गुणधर्म देखते हैं कि कौन कौन से गुणधर्म हमें इसमें यूज करना है, एक तो जो सदिश है वो हमारा उसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो देखो ए क्रॉस बी निकालने के लिए एक तो ए का परिमाण चाहिए, दूसरा बी का परिमाण चाहिए, और दोनों के बीच में कोण चाहिए कि दोनों के बीच में थीटा कितना दे रखा है, क्या दे रखा हो, थीटा दे रखा हो कि दोनों के बीच में थीटा कितने डिग्री है, ठीक है, अगर मान लो ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और कोण कुछ नहीं दे रखा है, तो कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
जैसे मान लो ए क्रॉस से हमारा ए वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ठीक ना। बी वेक्टर है हमारा ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। जब इसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालते हो यहां पे दो वेक्टर्स दे रहे हो और हमारे पास थीटा गिवन नहीं है। चाहो तो पहले थीटा निकाल सकते हो, निकाल के ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहले थीटा निकाल के ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, या ए क्रॉस बी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा आई जे के, ठीक है, जी के लिख लेंगे, ठीक है। और इसके कोफिशिएंट आ जाएगा, गुणांक आ जाएगा ए वन ए टू ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी वन सी टू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट बनेगा। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्लस का आएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो आई कैप इस रो और कॉलम को छुपा देंगे, ठीक है, ये कॉलम हो गया और ये रो जगह छुपा देंगे, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो क्या जाए बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन माइनस जे कैप माइनस का जगह जे कैप, ठीक। अब इसमें ये वाली रो को छुपा देंगे और ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम और ये रो छुपेगा, तो ए वन ए टू सी वन सी टू होगा, तो ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, ठीक, प्लस के कैप, ठीक। देखो के कैप निकालेंगे तो मतलब इसका गुणांक निकलेगा, इसको और इसको छुपा देंगे, तो ए वन ए टू बी वन बी टू आएगा, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ठीक ना। बाकी फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अगर इसका मापांक निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मापांक निकालना है, फिर जो भी यहाँ पे गुणांक बचेगा उसको क्या करेंगे, फिर रूट में वही फॉर्मूला लगाएंगे, मापांक का फॉर्मूला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। या एक तो हम इस तरीके से डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी, ज्यादातर हम इसी मेथड का यूज करेंगे, सिंपल मेथड है, ठीक ना। या ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं मापांक निकालने के लिए, मापांक निकालने के लिए कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तीसरी चीज हम डायरेक्टली इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या गुणधर्म में जाएगा, एकांक सदिश के गुणधर्म देखो, गुणधर्म देखते हैं कुछ, देखो गुणधर्म में क्या क्या है, फर्स्ट कि ये तो क्रम विनिमय नहीं होते हैं, क्रम विनिमय नहीं होते हैं, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू द माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। सेकंड ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे ए वेक्टर ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए का जब इसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक। तो ये क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम किसी ए वेक्टर का उसी ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा कितना, जीरो, क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक हो गया, क्लियर है, ठीक ना। यदि यदि दो वेक्टर के बीच में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना आएगा, जीरो, जीरो आएगा। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इससे मतलब वो दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि साइन जीरो का पहले कितना जाएगा, जीरो जाएगा, ठीक ना। अगर यहां पे थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, यदि थीटा इक्वल टू 90 है, ठीक, तो यहां पे ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या जाएगा, ए बी मैक्सिमम हुआ, ये इसका जो मापांक है
वो क्या होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम अधिकतम होगा और ये मिनिमम, ठीक, और ये मिनिमम होगा यहाँ पे, क्लियर है? अच्छा, अगर हम एकांक वेक्टर के प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आई क्रॉस जे जे इक्वल टू क्या जाएगा, के, जे क्रॉस के इक्वल टू जे आई, ठीक ना, और के क्रॉस आई इक्वल टू क्या जाएगा, जे, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू जीरो, कितना आएगा, जीरो, क्योंकि आई आई सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना जीरो, और एंगल जीरो होगा बन नहीं होगा इसमें, एंगल जीरो होगा तो कितना आएगा, जीरो आएगा, डॉट प्रोडक्ट में होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में बनाता है, इसमें बन नहीं आएगा, इसमें आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या जाएगा, के, जे क्रॉस के इक्वल टू कितना जाएगा, आई, क्योंकि यहाँ पे देखो जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, जैसे सिस्टमेटिकली समझो इसको, इस चीज को, जैसे ये आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स के डायरेक्शन को, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई के डायरेक्शन को, और के किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड के डायरेक्शन को, जब आई क्रॉस जे करेंगे, आई की जे से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो डायरेक्शन निकालेंगे तो, क्योंकि आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बनेगा, उसको डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आई के डायरेक्शन में जे के डायरेक्शन में घुमाएंगे तो लंबत आएगा ना, तो इसके लंबत कौन सा अक्ष होगा, जेड अक्ष होगा, है कि नहीं है, ठीक है, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना जाएगा, के क्रॉस हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट देखो यहां पे बात नहीं, जब जे क्रॉस आई करते हैं, जे क्रॉस अगर आई करेंगे तो वो जे क्रॉस आई अक्ष का होगा लंबत अंदर की तरफ, अगर इसके बाहर की तरफ अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके अंदर की तरफ अक्ष क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर एक चीज आ जाएगा, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस ऑफ के, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस ऑफ आई, और आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, माइनस ऑफ जे, देखो इसको याद रखने का सिस्टम होता है साइक्लिक, चलो आई जे और क्या जाएगा के, साइक्लिक चलेंगे, साइकिल में चलेंगे अगर तो आएगा पॉजिटिव, साइकिल के अपोजिट चलेंगे तो आएगा नेगेटिव, आई क्रॉस जे इक्वल टू आएगा के, के क्रॉस आई इक्वल टू आएगा जे, ठीक ना, और आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना के, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, और आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जस्ट इसका अगर अपोजिट चलोगे तो के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस का आई, ठीक ना, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस ऑफ के, ठीक, और आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस ऑफ जे, ये इसमें आ जाएगा, यस सर, ठीक है, जी सर, एक त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, एग्जाम्पल है जैसे क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसे कह रहा हूँ, जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है एबीसी, ठीक है, और इसके वेक्टर्स दे रखे हैं, यस सर, कौन कौन से वेक्टर्स, ये दे रखे हैं वेक्टर ए, और ये दे रखे हैं वेक्टर बी, और इनके बीच कोण दे रखा है थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है एक बटे दो, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई अगर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ से क्या करते हैं, लंब डालते हैं, ठीक है ना, तो ये लंब जो है वो किसका फैक्टर होगा, बी का, तो यहाँ पे बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक, तो लंब क्षैतिज घटक तो इधर होगा बी कॉस थीटा, क्या जाएगा, बी कॉस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा ऊपर बी साइन थीटा, तो ये वाला वेक्टर और ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो क्या होगा, मतलब इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये जो ऊंचाई है इसका, ये क्या जाएगा, बी साइन थीटा, क्या जाएगा, बी साइन थीटा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बटे दो बी लंब गुणा आधार, देखो तो एक बटे दो आधार क्या जाएगा, वेक्टर ए
ठीक, कहिए वेक्टर ए का मॉड और ऊंचाई जो लंब है वो कहिए बी साइन थीटा का मॉड, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जो हाफ ऑफ वेक्टर ए बाद में इंटू बी साइन थीटा का मॉड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक बटे दो क्या जाएगा ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। तो सिंपली अगर हमें त्रिभुज दे रखा होगा, त्रिभुज के दो भुजाएं दे रखा होगा, ठीक है ना, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जस्ट उसका क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका हाफ निकालेंगे, तो क्या कहलाएगा उसका त्रिभुज का क्षेत्र, ठीक है ना। अच्छा जस्ट अगर मान लो यहां से इसको मिला के मैंने क्या बना देता हूँ, इसी को मिला के मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, समांतर चतुर्भुज, जैसे ये दोनों भुजे आपस में क्या होंगे समांतर होंगे, ये दोनों भुजे आपस में क्या है समांतर, ये दोनों भुजे आपस में क्या है समांतर, ये बिकर्ण है, बिकर्ण क्या करेगा इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा एक बट्टे दो ए क्रॉस बी का मॉड, इसका भी क्या जाएगा एक बट्टे दो ए क्रॉस बी का मॉड, सिमिलर ट्राइंगल है ना दोनों, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल क्या जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना जाएगा, देखो एक बटे दो ए क्रॉस बी का मॉड प्लस एक बटे दो ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। तो इन दोनों का हाफ और हाफ का एड करोगे तो कितना आएगा एक बनेगा, तो ए क्रॉस। तो जस्ट अगर हमें क्या निकाला समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाला, उनकी दो भुजाएं दे रखा है संलग्न, दो भुजाएं दे रखा है ए और बी वेक्टर फॉर्म में, तो उसका जस्ट क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड निकाल देंगे, तो वो जो मॉड का वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो याद रखना समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ए क्रॉस बी और त्रिभुज क्षेत्रफल ए क्रॉस बी का हाफ, उसका मॉड का हाफ, ठीक है ना। निकालो एक्सरसाइज किसमें एबीसी दे रखा होगा, सी बी का मान नहीं एबीसी नहीं दे रखा होगा, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज में दो भुजा लगा त्रिभुज में, किसमें त्रिभुज में, तो तीसरा जो भुजा है वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा ना, समांतर कोई प्रयोग नहीं है, नहीं उसमें दो भुजाएं ले लेंगे, कोई सी भी दो भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के संलग्न भुजाएं लेंगे, क्या लेंगे संलग्न भुजा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट उसका हाफ निकाल देंगे। अच्छा देखो इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1.10.4 का, कह रहे कि यदि ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है, कह रहे हैं ए क्रॉस बी का मॉड ज्ञात कीजिए, तो ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और बी वेक्टर इक्वल टू है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें ए क्रॉस बी बाद में ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, ए क्रॉस बी का मॉड, तो सबसे पहले हमें क्या करना करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा दो तरीके बता दो मैं, जिस मेथड से तुम्हें सिंपल लगे वो कर दो, देखो ए क्रॉस बी, देखो आई जे के 1 3 माइनस 7 माइनस 2 7 2 1 4 3 ठीक है, प्लस माइनस प्लस क्या आई कैप ये और ये छुपेगा रो कॉलर 7 14 माइनस का माइनस का 14 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का जे कैप इसको और इसको छुपा दो दो एकदम दो माइनस का 10 सॉरी 7 21 प्लस के कैप ये और इसको छुपा देंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 21 देखो 14 में से 14 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0 ये तो होगा 0 यहां बचेगा माइनस का 19 ठीक ना और माइनस क्या जाएगा प्लस तो ये 19 जे कैप यहां बचेगा प्लस का 19 के कैप ठीक ना। तो इसका मॉड क्या जाएगा ए क्रॉस बी का जो मॉड है ये जो रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 19 का स्क्वायर
वन प्लस वन तो कितना आएगा 19 रूट दो, दो। मजा क्या 19 रूट दो, 19 से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। मजा बताओ देखो ए क्रॉस बी निकालेगा, दूसरा तरीका क्या होगा देखो आई कैप माइनस सेवन जे कैप प्लस बता रूट क्रॉस देखो थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप इधर कह रहा देखो क्रॉस पर निकालेंगे। हाँ बता क्या कह रहे हैं ये 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कॉमन आई है वन प्लस वन बचेगा 19 का स्क्वायर का रूट कितना आएगा 19। अच्छा दूसरा तरीका नहीं है कोई नहीं ये ए क्रॉस बी एक तो हमने इस तरीके से निकाले डिटरमिनेंट मेथड से, दूसरा हम सिंपली मेथड से भी यूज कर सकते जैसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं पहले आई का आई के साथ फिर आई का जी के साथ फिर आई का ए के साथ ठीक है ना। देखो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा थ्री आई क्रॉस आई ठीक ना, फिर जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आई क्रॉस जे ठीक ना, फिर आई का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आई क्रॉस के क्या जाएगा आई क्रॉस के ठीक ना। अब जे का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सात का 21 जे क्रॉस आई सात का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 14 जे कैप क्रॉस जे कैप इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सॉरी 14 जे कैप क्रॉस के कैप देखो इससे इसके से मल्टीप्लाई करो सात का 21 के कैप क्रॉस आई कैप सात का 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 14 के कैप इन क्रॉस जे कैप 14 के कैप क्रॉस के कैप। तो एक कंडीशन हमने पढ़ा है कि आई और आई के क्रॉस प्रोडक्ट जे और जे के क्रॉस प्रोडक्ट के और के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा जीरो जीरो तो ये योर आइटम जीरो जाएगा योर आइटम जीरो जाएगा और योर आइटम जीरो ना। अच्छा आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है के तो ये माइनस का टू के कैप इसकी जगह जाएगा। अच्छा आई क्रॉस के माइनस का जे माइनस का टू जे क्योंकि के से आई आई से के में जाएंगे रिवर्स जाएंगे तो माइनस का जे जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई माइनस का के ठीक ना। तो ये जो माइनस माइनस प्लस इक्कीस के कैप अच्छा ये तो हो गया जीरो प्लस जीरो जे क्रॉस के आई आई हो जाएगा प्लस माइनस चौदह तो माइनस का 14 आई कैप के क्रॉस आई जे हो जाएगा तो 21 जे कैप और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का देखो सर जे के क्रॉस जे रिवर्स जाएंगे तो माइनस का आई आएगा माइनस माइनस प्लस अरे 14 जो है के से आई 14 आई ये नहीं ये वाला सर ऊपर इस ये ये के क्रॉस आई है ना के से आई में जा रहा तो जे में आएगा ना जे में आएगा नहीं माइनस क्यों आएगा पहले वाला रिवर्स ये देखना के यहाँ पे के आई और जे तो जे के से आई में आ रहा रिवर्स उसमें आया ना साइक्लिक में चलो माइनस प्लस का जाएगा। अच्छा अब के वाले टर्म्स को एक साथ जोड़ दो और आई वाले टर्म्स को एक साथ जोड़ दो 14 के आई 14 आई माइनस प्लस में ये क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा 21 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा 19 तो 19 जे कैप 21 में से 2 घटा दो कितना बचेगा 19 के कैप ठीक ना। यही आ रहा था ना 19 आई सॉरी जे कैप प्लस के कैप इसमें भी आ रहा है इसमें भी नहीं आ रहा है नहीं अच्छा है सही है बड़े जो तुम्हें मेथड इजी लगे इसमें तो यही है ठीक ना। नहीं कुछ ही मेथड से नहीं आ रहा जैसे कभी कभार होता है इनके याद नहीं रहते ठीक ना तो अंडर इट मेथड भी याद होना चाहिए ठीक ना। अगर ये वाला मेथड याद नहीं है तो इससे भी कर लो सिंपली इसमें तो सिंपल है इसमें क्या करा हमने कुछ नहीं करा हमने बस इसका तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी से इसमें फिर जे का तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया फिर के का तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया फिर हमने प्रॉपर्टी यूज कर लिया आई क्रॉस आई जीरो जे क्रॉस जे जीरो के क्रॉस के जीरो और बाकी आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई वगैरह की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यह जाएगा। देखो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या रखा है ए प्लस बी
करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसके लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है जहां ए वेक्टर्स और बी वेक्टर दे रखे हैं। वेक्टर ए बराबर क्यों 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर बराबर दे रखा है i कैप प्लस 2k कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, हमें सबसे पहले a प्लस बी निकालना, फिर a माइनस बी निकालना है। सबसे पहले निकालो a प्लस बी। देखो इसमें मैं करना क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी जो वेक्टर्स दे रखे, दो वेक्टर्स बनेंगे a प्लस बी और a माइनस बी करके, उसके लंब जो सदिश बनेगा, उसका लंबन जो सदिश बनेगा, उसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो वहां से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो दोनों पे क्या होगा, लंबवत होगा, होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b क्या होता है, जब a और b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो c वेक्टर सदिश वो a और b पे क्या होता है, लंबवत होता है। तो वहां पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते वो लंबवत सदिश निकलेगा, फिर उसी लंबवत सदिश का हम क्या निकालेंगे, एकांक सदिश निकालेंगे, उसे मापांक से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो a प्लस बी, a और b को ऐड कर दो, देखो तीनों में कितना जाएगा, 4i कैप, दो दो 4j कैप, है ना, इनकी मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जीरो, तो i कैप प्लस का 2i कैप माइनस का। अच्छा a माइनस बी, देखो a में से b को माइनस कर दोगे तो 3 में से 1 माइनस होगा तो कितना, 2i कैप, 2 में से 2 माइनस होगा तो जीरो, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस 4k कैप, क्योंकि माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है, तो दो दो कितना जाएगा, 4, तो आएगा 2i कैप प्लस 4k कैप, और ये आ गया 4i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अच्छा इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, a क्रॉस b, सॉरी a प्लस b का क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस b से, ये लंबवत सदिश होगा किस पे, a प्लस b पे और a माइनस b पे। ठीक है, तो देखो i j और ये जाएगा k, देखो 4i, ठीक 2 4j, यहां पे j का वैल्यू कितना 0, यहां पे k का वैल्यू कितना 0, यहां पे k का वैल्यू कितना 4। ठीक है, आई कैप नहीं बन क्यों रखेंगे, के तो उसमें है ही नहीं, मिसिंग है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0k कैप। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे, 0j कैप। ठीक है, तो इसको मापांक क्या हो जाएंगे, गुणांक, सॉरी हाँ हाँ 0 0 आता है ना, नहीं तो 0 आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना, देखो आई, तो इसको और इसको छुपा देंगे, 16 माइनस का 0 माइनस का j कैप, ठीक इसको और इसको छुपा दो, 16 माइनस का 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस k कैप, देखो इसको छुपा दो तो 4 दो 8 और 0, तो 0 माइनस 8, जीरो माइनस 8, ठीक है, 16 i कैप माइनस का 16 j कैप माइनस का 8 k कैप। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये हमारा एक c वेक्टर है, क्या है, मान लेते बाद नहीं, मान एक वेक्टर c है ये, ठीक है, ये जो c वेक्टर है वो a प्लस b पे भी लंब है और a माइनस c पे भी लंब होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, लंब वेक्टर मिलेगा। अब इस वेक्टर c का क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, ये एकांक सदिश का है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, मापांक, तो c का मॉड इक्वल टू रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, कॉमन ले रहा है 8 का स्क्वायर, कॉमन आ रहा है सब में से, यहाँ पे कितना 8 दुना 16 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना 8 दुना 16 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा 1 का स्क्वायर का रूट, ठीक है, ऐसे करना निकालना इसका स्क्वायर, सिंपल होगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर, का स्क्वायर कितना जाएगा 8, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 8 और 1 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 3, तो 8 गुणा 3 बराबर 24, ठीक है, तो सी का मात्रक सदिश, सी का मात्रक
सदिश देव कह रहे हैं सी कैप इक्वल टू कह रहे हैं सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मॉड सी वेक्टर का मॉड देखो सी वेक्टर हमारे पास कितना है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस का 8 के कैप बटे 24 तो 16 बटे 24 आई कैप माइनस 16 बटे 24 जे कैप माइनस 8 बटे 24 के कैप देखो 800 पर नीचे डिवाइड होगा 8 दुना 16 तो 2 बटे 3 आई कैप माइनस 8 दुना 16 2 बटे 3 जे कैप माइनस 1 बटे 3 के कैप ये हो जाएगा इसका हाँ सर ठीक क्लियर है।